खेल में अपनी प्रतिभा को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराती ऋतु जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सादर अभिनंदन कीजिए। आज की इस शुभ वेला पर यहाँ उपस्थित सभी को हम दोनों का स्नेह भरा नमस्कार। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ऋतु फोगाट जी ने हमारे विद्यालय GIS स्मार्ट कैंपस में अपने शुभ कदम रखकर हमें गौरवान्वित किया है। हरियाणा के गांव बलाली में जन्मी यह शेरनी बचपन से ही दंगल करने की शौकीन थी और आज हमारे समक्ष अपनी प्रेरणादायक कहानी के अनकहे पहलुओं को रखने जा रही हैं। भिवानी क्षेत्र के सुप्रसिद्ध पहलवानी परिवार की चौथी पहलवान सदस्या ऋतु जी कुश्ती के अतिरिक्त MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी तजुर्बा रखती है। MMA में भाग लिए प्रत्येक मुकाबलों में इन्होंने विजय अपने नाम दर्ज कराई है। वैसे तो हमारी सम्मानित अतिथि को किसी पहचान का मोहताज नहीं, अपने देश की मिट्टी हर बच्चा आपके परिवार से पूर्ण परिचय रखता है। गत वर्ष से मचे प्राकृतिक तांडव की भयानक परिस्थितियों का सामने करते आ रहे आज हम सभी आपके विचार सुनने के लिए इच्छुक हैं। साथ ही ऐसे समय में आपने हमारे विद्यालय में पधारकर मानो हम सबको एक नया मनोबल दिया है। अब देखते हैं ऋतु जी के पेशेवर जीवन की एक झलक। Every great warrior must learn to endure and overcome the adversities of life. Ladies and gentlemen, your winner, Ritu Phogat! Ritu Phogat is such a warrior, a medalist in the wrestling world. She now takes her talents to another pursuit of excellence. Born into wrestling, her father, Mahavir Singh Phogat, former wrestler and a legendary coach. Her sisters, Geeta and Babita, are wrestling champions. She began her own training at the age of 8. बचपन से ही सिखाया गया है कि मतलब जीतने के लिए लड़ो, अपना जितना किया है उतना अपना 100% दो। Ritu won gold at the 2016 Commonwealth Wrestling Championships in Singapore. The following year, she won a silver medal at the prestigious World Under 23 Wrestling Championships in Poland, becoming the first female Indian wrestler to do so. But Ritu's story is not just about wrestling. It's about finding her own identity and leaving her own mark on the world. Ritu has chosen to change paths as she switches wrestling for mixed martial arts. Now here I give my 100%. New arena, new fight, but the same will to never give up. वो हरियाणा की छोरियाँ अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो उन सिंगर होती हैं. Ritu Phogat. The Global Indian Tigress. आइए अब कुछ गुफ्तगु करते हैं आज की उम्दा खिलाड़ी के साथ। हम अपने कुछ साथी वेदांग दुबे, खुशी भारद्वाज, तुषार मल्होत्रा, श्लोक पनपालिया और हमारी आदरणीय अध्यापिका अंजू शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। महोदया ऋतु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर पधारकर इसकी शोभा बढ़ाएं। आदर प्रणाम। आज हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि ऋतु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत महानताओं की भूमि रहा है। आज हमारी माननीय अतिथि भी उसी पंक्ति में खड़ी हैं।
और इनकी कीर्ति यानी इनका यश भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में पूरी तरह से गूंज रहा है। आज ये करोड़ों भारतीयों की धड़कन है, खासकर युवाओं के सपनों को उड़ान देने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अतिथि, आज हमारे विद्यालय के 15,000 बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपसे मिलने के लिए इतनी उत्कंठा लिए बैठे हैं कि मानो वे भी अपने सपनों में आप ही की तरह रंग भर सकें और दुनिया को वो तस्वीर दिखा सकें कि भारत आज से ही नहीं बल्कि सदियों से विश्व गुरु रहा है। और जैसा कि आप जानती हैं, इस महामारी के दौर में भी बच्चों पर शिक्षा के साथ साथ अन्य चीज़ों का भी, गतिविधियों का भी काफ़ी दबाव है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य परम धन है, जीवन लाभ है, अनुभूत सुख है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे बच्चों में जो भविष्य के सपनों को साकार करना चाहते हैं उनकी उत्कंठा को तृप्त करें और उन्हें नए रास्ते दिखाएं कि काश वे भी आपकी तरह एक दिन इतनी बड़ी तस्वीर पर अपना चेहरा दिखा सकें। धन्यवाद। अब हमारे कुछ विद्यार्थी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ताकि ये जीवन में कुछ कर बढ़ सकें। नमस्ते ऋतु जी। ऋतु जी, आपके लिए हमारा पहला सवाल यह है कि पहलवानी के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके पिताजी एवं बहनें पहलवानी के क्षेत्र में ही आगे रही हैं, तो क्या पारिवारिक परिवेश की वजह से आपने यह निर्णय लिया? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके बीच यहाँ पे हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान और मान दिया, तो उसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया। जब मैं 8 साल की थी तो मतलब मेरी बड़ी बहनी थी गीता बबीता, तो पापा ने उन्हें रेसलिंग में डाल दिया क्योंकि पापा रेसलर थे, तो लेकिन वो एक ओलंपिक में मेडल नहीं ले सके और उनके मतलब मन में, क्योंकि उस टाइम पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी सब कुछ परिवार वगैरह, तो पापा वो अचीव नहीं कर पाए। तो जब पापा सोच रहे थे कि मैं अपने बेटों को बनाऊंगा, लेकिन पापा के मतलब पहले गीता हुई फिर बबीता हुई, तो जब एक बार मतलब वो किसी लड़के को पीट के आई तो पापा के दिमाग में भी यही आया कि क्यों ना मैं अपनी लड़कियों को, जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका, मैं अपनी बेटियों के थ्रू वो सपना पूरा करवाऊं। तो उस टाइम पे पापा ने मतलब, पापा सुबह 4 बजे उठते थे तो हमें भी सुबह 4 बजे उठाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी जितनी एज थी उसको मतलब सभी को, घर में जितने भी थे सभी को 4 बजे उठाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो हम पे, मेरे पे तो इतना प्रेशर नहीं था कि इतना दबाव नहीं था, ज़्यादा फोकस गीता और बबीता पे था, तो लेकिन ट्रेनिंग हमारी मतलब इक्वली होती थी, जितने वो करते थे उतनी हम करते थे, लेकिन मैं थोड़ी मतलब मस्ती में करती थी, वो थोड़े फोकस के साथ करती थी। जब गीता का फर्स्ट मेडल आया 2003 में, तो उसका न्यूज में नाम आया, अखबारों में नाम आया, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ, तो उस टाइम पे दिमाग में ये आया कि मैं भी यही चाहूँगी कि मैं भी इनकी तरह, मेरा भी अखबार में नाम आए, मेरा भी ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो, लोग मुझे सम्मान करें। तो फिर जब हम मेरी एज हुई 13-14 साल की, तो पापा ने मेरे पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग हार्ड होने लगी, फोकस भी ज़्यादा हार्ड होने लगा। जब फर्स्ट टाइम 2009 में मेरा इंटरनेशनल मेडल आया, तो उस टाइम पे लाइफ में मतलब सोचा था उस मुकाम पे पहुंच गई थी, इतने बहुत सारी मीडिया आई हुई थी, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, फिर यही था कि बस अब मतलब ओलंपिक में जो पापा का सपना है वो पूरा करना है। और हमेशा स्टार्टिंग में मैं हमेशा दिमाग में यही रहता था कि मुझे कुछ हटके करना, कुछ अलग करना है। अगर रेसलिंग में किसी लड़की का अगर एशिया में मेडल आ गया, सिल्वर मेडल आ गया, तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था मेरे को गोल्ड लेके आना, सिल्वर नहीं लेके आना, क्योंकि सिल्वर तो उसका पहले से ही है, मुझे कुछ अलग करना है। और मैं मिक्स मार्शल आर्ट में इसलिए आई, मैं स्टार्टिंग से ये यूट्यूब पे देखती थी, लेकिन मुझे नई नॉलेज थी कि इंडिया में कहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है, कहाँ कुछ होता है। और पापा रेसलिंग करते थे तो बोल भी नहीं सकते थे, पापा से डरते थे,
जब मेरे को पहली बार सिंगापुर से इवोल से मेरे पास मैसेज गया कि आप इस गेम में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने अपनी बहनों से सबसे पहले बात की कि मुझे ये गेम पहले से ही काफ़ी पसंद है। तो बहनों ने ही पापा से बात की, तो पापा ने एक बार भी मतलब ये नहीं कहा कि नहीं, पापा ने कहा कि अगर तू मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहती है तो कर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लेके जाना, गेम मैटर नहीं रखता कि तू कौन से गेम में है। तो मैं रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में इसलिए आई, और हमेशा यही था कि मतलब इस गेम में इंडिया से कोई क्यों नहीं है, इस गेम में इंडिया में मतलब विदेश में कहीं पर भी इंडिया का नाम क्यों नहीं इस गेम में। तो एक मेन रीज़न यही था कि मुझे मतलब कुछ अलग करने की इच्छा मेरे को रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में लेके आई। धन्यवाद ऋतु जी। हमारा अगला सवाल आपसे यह है कि पहलवानों को अपने मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का बखूबी ध्यान रखना पड़ता है, आपने अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए कैसे क्या क्या कदम उठाए हैं? फिजिकली फिट रहना एक हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम मेंटली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मैं अपने फिजिकली फिट रहने के लिए डेली वर्कआउट करती हूँ, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, और कभी कभी थक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन वही कहते को कुछ करना है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करने होते हैं। मैं यहाँ पर अपने सिंगापुर की जर्नी बताती हूँ आपको। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाती हूँ, फिर लंच भी ट्रेनिंग पे खुद बना के लेके जाती हूँ, फिर सेकंड ट्रेनिंग के बाद कभी कभी तो इतना थक जाती हूँ कि मैं जब मैं चेंजिंग रूम में जाती हूँ तो ये मन करता है कि यहीं पे सो जाऊँ, लेकिन फिर अपने आप से बोलती हूँ कि नहीं, यहीं पर मतलब अपना नहा कर फिर वापस घर पर जा कर आराम से सोना। फिर घर पर जाती हूँ तो फिर रात का डिनर भी बनाना होता है, कभी कभी मतलब बिल्कुल इतनी थक जाती हूँ कि मन नहीं करता कि मैं, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं डिनर बना पाऊँ, तो कभी कभी तो मैं बाहर से ऑर्डर भी कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मन नहीं करता तो फिर ये सोचता है कि अगले दिन भी ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए मुझे अपने अंदर जान भरनी है तो कुछ खाना पड़ेगा, फिर हिम्मत करके उठ के फिर मैं अब खाना बनाती हूँ। तो यही है कि लाइफ में कभी मतलब एक टाइम ऐसा भी आता है कि क्यों मतलब छोड़ने का मन करता है, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब मेंटली स्ट्रांग रहना ज़रूरी कि हाँ यही टाइम है, इसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होगी, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखना। रितु जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे हम जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान आई थी, उसमें पहलवान की कहानी बताई गई थी, क्या आपको इस पहलवान की कहानी अपने जीवन में झलक से दिखाई देती है? बिल्कुल, क्योंकि अभी पापा का एक सपना है कि ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आना, तो मैं यही चाहूँगी कि मतलब मैं मिक्स मार्शल आर्ट में देश के लिए पहली वर्ल्ड चैम्पियन बनकर मैं पापा का वो सपना पूरा करूं, और मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मेरा भी मतलब इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ तो मैं अपनी जर्नी को लोगों को दिखा पाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि दंगल 2 जरूर बने। धन्यवाद जी। धन्यवाद ऋतु जी। हमारा अगला सवाल GIS नोएडा कैंपस से आपको वीडियो के माध्यम से पूछा जाएगा। नमस्ते मैम, मेरा नाम दिव्या तिवारी है और मैं GIS नोएडा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो इस मुकाम पे पहुँचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आने वाले समय में आप अपने आप को किस स्थान पे देखती हैं? धन्यवाद। मैं यही कहूँगी कि मुझे तो इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, मेरी बड़ी बहन पापा को ही मतलब ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों की सुननी पड़ी, स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत कुछ बोला कि ये लड़कियों का गेम नहीं है, आप पापा को बोला कि आप पागल हो गए हो, तो पापा ने मतलब सबको यही कहा था कि मेरे को कुछ टाइम दो, मैं अगर मैं इतने साल में कुछ नहीं कर पाया तो मैं आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, और तो मेरे लिए तो सिर्फ रास्ता साफ था और मुझे उस पे चलना था, तो मुझे इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन
आज मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे परिवार का साथ है, उनके साथ और उनके सहयोग के बिना मैं आज यहाँ पे नहीं होती। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार का, अपने देश का नाम पूरे दुनिया में एक अलग पन्नों पे लिखूं, और उसी के लिए मैं यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैं भी अपनी फैमिली को यहाँ पे मिस करती हूँ, लेकिन जब मैं पापा से बात करती हूँ तो पापा मेरे को यही बोलते हैं, अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर लाइफ में अचीव करने के बाद ये चीज़ आप मतलब ये यहीं पे रहेंगे, आप उस चीज़ में फिर अलग ही मज़ा है। धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी, हमारा अगला सवाल GIS टोक्यो और नोएडा कैंपस से वीडियो के माध्यम से पूछा जाएगा। नमस्ते ऋतु फोगट जी, मैं लावण्या बाली GIS टोक्यो से हूँ, और मेरा सवाल आपके लिए ये है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे पेरेंट्स लड़कियों को रेसलिंग और जूडो जैसी स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए इंकरेज नहीं करते, आपके पास इन पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज है? नमस्ते, मेरा नाम तरिक्ष प्रताप सिंह है, मैं GIS नोएडा का छात्र हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका क्या संदेश है उन माता पिता के लिए जो आजकल के ज़माने में लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं। मैं उन सभी माता पिता से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि लड़कियाँ आज के टाइम में किसी से कम नहीं हैं, वो भी गीता बबीता बन सकती हैं, लेकिन उनके लिए आपको भी मतलब उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, और जो वो चाहती हैं वो अचीव कर सकती हैं। और मैं यही कहूँगी कि हर कोई वो चीज़ अचीव कर सकता है अगर आपके अंदर तीन चीज़ हैं, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे। डिसिप्लिन के साथ अगर आप में फोकस, डिटर्मिनेशन है और हार्ड वर्क है तो आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो मेरी उन सभी माता पिता से यही प्रार्थना है कि आप अपने लड़कियों को मतलब ये ना समझें कि लड़के उनको लड़के की तरह, वो भी लड़कों से भी बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, आप उनका साथ दें, आप उनका सहयोग दें। धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी, हमारा अगला प्रश्न इन दो प्रश्नों से मेल खाता है, वह यह है कि आज भी महिलाओं को खेल के क्षेत्र में शामिल होने के लिए उचित प्रोत्साहन और सहयोग नहीं मिलता है, इस विषय पर आपकी क्या राय है और आप इसे कैसे परिवर्तित करना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि मतलब पहले लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों की मानसिकता है वो चेंज हो रही है, अभी लड़कियाँ मतलब हर स्टेज पे एक आगे आ रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप मतलब फिजिकली और मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप वो सब अचीव कर सकती हैं जो आप चाहती हैं। मेहनत और डिटर्मिनेशन की जरूरत है, आप फोकस रहिए तो आप सब कुछ अचीव कर सकती हैं। धन्यवाद ऋतु जी। आपसे हमारा अगला सवाल यह है कि पहलवानी जगत में आपको हिंदुस्तान की शेरनी के नाम से नवाजा गया है, क्या आप यह एहसास हमारे साथ साझा कर सकती हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं रेसलिंग करती थी, जब मैं जीत के आती थी तो लोगों के कमेंट्स मिलते थे, बोलते थे कि मतलब ऋतु मतलब ऐसे फाइट लड़ती है कि मतलब एक शेरनी लड़ती है ना, कि जिस चीज़ पे जिस चीज़ को पकड़ लिया तो उसको मतलब छोड़ती नहीं है। तो मैंने भी मतलब अपना निकनेम, जब मेरे से पूछा गया कि आपका निकनेम, तो मैंने वो चीज़ सोच कर अपना नाम द इंडियन टाइगर्स रखा। और जब हम देश के लिए खेलते हैं तो उस चीज़ को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो फीलिंग एक अलग ही होती है, एक अलग ही इमोशनल, अपने देश के लिए खेलना, अपने लोगों के जो आपसे उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना। आप सब लोग मतलब मेरे लिए एक फैन नहीं, एक मेरे लिए एक मोटिवेशनल, मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं हाँ मुझे उनके लिए कुछ करना है। कभी कभी थक जाती हूँ तो नहीं, मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, मुझे उन उम्मीदों पे खरा उतरना, तो उन सब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जब मैं जीतती हूँ और जब मैं जीतती हूँ और पूरा देश खुश होता है तो वो खुशी एक बहुत ही अलग होती है। ऋतु जी, हमारा अगला सवाल आपके लिए GIS KL कैंपस से है। नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र दाथेर और मैं GIS मलेशिया में पढ़ता हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप रेसलिंग से MMA में आए हैं,
ये ट्रांजिशन आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि एमएमए में तो बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे किक बॉक्सिंग वगैरह, तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा और कितना अलग है ये रेसलिंग से? मेरा रेसलिंग से एमएमए में आने का सबसे मेन रीज़न है कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इंडिया से, मतलब इस गेम में इंडिया का नाम हर विश्व के हर कोने में हो कि हाँ इंडिया से भी मतलब बेस्ट फाइटर हैं। तो इसीलिए मैं रेसलिंग से एमएमए में आई और मुझे काफ़ी मतलब दिक्कतों का, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने रेसलिंग 14-15 साल से कर रही थी तो मेरा फिजिकल लेवल था वो सही था। लेकिन इस गेम में थोड़ी बहुत टेक्निक का ही डिफरेंट था वो, और वो मैं सीख रही हूँ अपने कोचिज के साथ। जब मुझे कोचों के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो मैं काफ़ी मतलब मोटिवेट होती हूँ कि कोच बोलते कि हाँ, तो मुझे और कुछ ज़्यादा करने का मन करता है। तो ज़्यादा परेशानी मतलब डिफ़िकल्टी नहीं हुई, और मेरे लिए एक बेनिफिट मिक्स मार्शल आर्ट में ये रहा कि मैं एक रेसलर हूँ और एक रेसलर के लिए टेक डाउन करना बहुत ईजी है, तो वो बेनिफिट मेरे को मिक्स मार्शल आर्ट में मिल रहा है। रितु जी, मेरा अगला सवाल खेल कैंपस से कुछ मिलता जुलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने कुश्ती छोड़कर एमएमए को अपना लक्ष्य बना लिया है, इसका कारण क्यों है और जब आपने ये निर्णय लिया तो आपकी परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल, मैं मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से देखती थी ये गेम, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, काफ़ी डिफरेंट था दिमाग में हमेशा से ही। मैंने मतलब बचपन से ही यही था कि कुछ अलग करना है, अलग करना है, और यही था कि इस गेम में मतलब इंडिया से कोई चैम्पियन क्यों नहीं है, बस एक मेन रीज़न ये भी था। और जब मैंने पहली बार ईओएल ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी तो उस टाइम पर हालांकि 2020 ओलंपिक भी थे तो, और मैं रेसलिंग में इंडिया में टॉप लेवल पे थी, मेरा रेसलिंग कैरियर टॉप लेवल पे था उस टाइम पे। मेरे लिए तो इतना मतलब, क्योंकि मैं मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहती थी, इंटरेस्टिंग थी, कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, तो जब मैंने ईओएल ने मेरे को ऑफ़र दिया तो मैं उस ऑफ़र को मतलब मिस नहीं करना चाहती थी। मैंने बहनों से बात की तो बहनों ने एक बार कहा था कि देख ले, अभी 2020 ओलंपिक भी हैं, लोगों की काफ़ी उम्मीद हैं तेरे से, पूरा देश तेरे से मतलब ओलंपिक में मेडल चाहता है। तो मैंने यही कहा था कि मेरे पास मतलब अभी मौका आया है तो मैं इसमें भी मतलब देश के लिए मतलब देश का नाम सबसे ऊपर लेके जाऊंगी इस गेम में भी। तो बहनों ने कहा ठीक है, अगर तेरा इंटरेस्ट इस गेम में है तो तुझा, पापा से उन्होंने फिर बात की और पापा ने पूरा सपोर्ट किया और वो अब भी कर रहे हैं, यही चाहते हैं कि मैं देश के लिए मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बेल्ट लेके आऊँ। धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी, हमारा अगला सवाल आपसे जीआईएस टोक्यो कैंपस से। नमस्ते ऋतु फोगट जी, मैं प्रणीत चक्रवर्ती टोक्यो से बोल रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे गेम्स देखता हूँ और आपके अगले गेम की हमेशा इंतजार करता रहता हूँ। तो मुझे आपसे एक सवाल है कि आपका जब गेम खत्म हो जाता है तो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, आप रिलैक्स करने के लिए कौन से शो देखते हैं? आपको नेटफ्लिक्स ज़्यादा पसंद है कि अमेज़न प्राइम? आपके उन शोज में प्रेफरेंसेस क्या है, मुझे प्लीज बताइए। थैंक यू। मैं यही कहूँगी, अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको मतलब उस गेम में पूरे फोकस, पूरे मतलब मेहनत सबसे ज़रूरी है, डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन, और उसके बाद पूरे फोकस के साथ अगर आपको कुछ करना है तो लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ भी आएंगी। कई बार मन करेगा कि छोड़ दूँ, नहीं मेरे से नहीं होगा, कई बार ऐसी स्टेज भी आएगी, लेकिन उस टाइम पे आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। आप, मैं यही कहूँगी कि आप भी, मैं जहाँ पे हूँ आप भी उससे भी बेटर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क और फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, और पूरे मन से जिस काम में आप लगे हो पूरे मन से, पूरे तन मन धन से उसमें लग जाओ, और मैं प्रोमिस करती हूँ कि आप ज़रूर अचीव कर पाओगे, करोगे वो चीज़। धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी, हमारा अगला सवाल आपसे जीआईएस केएल कैंपस से है। मेरा नाम हर्षन है और मैं जीआईएस मलेशिया में पढ़ता हूँ। इस मौके के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, आपका पूरा परिवार रेसलिंग से जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या बचपन से ही आपको रेसलिंग का शौक था या कुछ अलग इंटरेस्ट भी थे?
और थे तो क्या थे वो, और आपको बचपन में वापस लेते हुए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी बहनों से लड़ाई करते थे या हमेशा डिसिप्लिन रहते थे? जब पापा ने हमें गेम में डाला तो उस टाइम मेरी एज 8 साल की थी, तो उस टाइम पे दिमाग में ये नहीं था कि क्या बनना है क्या नहीं, क्योंकि वो टाइम एक खेलने कूदने की उम्र होती है, उस टाइम पे ये नहीं कि मुझे क्या करना क्या नहीं, तो कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। और जब एक एज पे आके हम सोचते हैं 17-18 साल की उम्र में आके हम सोचते हैं कि हमें क्या बनना है, तो उस टाइम तक सिर्फ रेसलिंग ही दिमाग में आ गया था, यही था कि जो करना है अभी इसी में करना है, उससे पहले नहीं सोचा कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं, तो बस यही था कि जो करना है अभी इस रेसलिंग में ही करना है। धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी, हमारा अगला सवाल आपके लिए जीआईएस दुबई कैंपस से है। नमस्ते, मैं भाविका जीआईएस दुबई की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा सवाल यह है कि एक अच्छे लीडर के लिए बोलना ज़्यादा जरूरी है या लोगों की बातें सुनना? धन्यवाद। मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि दुनिया की न सुन के अपने सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। ये लोग आपको मतलब डिमोटिवेट भी करेंगे, आपको मतलब ये कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, तो मैं यही कहूँगी कि लोगों की बस सुनना, लेकिन करना अपने मन की, जो आपने ठान ली है उसको मतलब पूरे मन से उसमें लग जाना, लोग क्या कहें क्या बोल रहे हैं, लोगों की न सोचकर अपने मन की करना। धन्यवाद ऋतु जी। ऋतु जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल यह है कि क्या आप हमारे आकांक्षी विद्यार्थियों को खेल की ओर प्रोत्साहित करना चाहेंगी? हमारा विद्यालय आपके दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः तैयार है। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि आप लाइफ में मतलब आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप खेल को भी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। आप फिजिकली फिट भी रहोगे, आप स्वस्थ भी रहोगे, आपका मतलब पूरी दिनचर्या वो बहुत अच्छी जाएगी, और आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन उसमें मतलब गेम को जरूर ऐड करें अपने लिए, क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे हैं। आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग, और आपका शरीर भी ठीक रहेगा। और इसको मतलब अगर आप गेम करते हो तो आपके अंदर नेगेटिविटी थॉट जो आते हैं वो दूर हो जाएंगे, आप पॉजिटिव रहने लग जाओगे आप, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन गेम को उसमें ज़रूर ऐड करें। हुए सवाल थे हमारे बच्चों के हृदय में, और वे आकांक्षी हैं, वो चाहते हैं कि आप भविष्य में उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे भी आप ही की तरह एक दिन किसी विशेष मुकाम पर पहुंच सकें। अब मैं अपने विद्यालय की तरफ से आपके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए सिर्फ एक ही पंक्ति कहना चाहती हूं, आप इतनी ऊँची उठी कि जितना उठा गगन है, और करोड़ों हृदयों की धड़कन है आप ऋतु जी। आपने हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाकर हमें खुद भी आपके प्रति आभार जताने के लिए बाध्य सा कर दिया है। मैं भी यही कहूँगी, मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, और आप लोगों का प्यार और सम्मान ही है जो मैं आज यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब हम दर्शकों से कुछ प्रश्न लेंगे, कृपया अपना हाथ उठाइए। नमस्ते, मेरा नाम वैदेही है और मैं GIIS स्मार्ट कैंपस की नवी कक्षा की छात्रा हूँ। महोदया, मेरा आपसे यह सवाल है कि भविष्य को लेकर क्या आपकी ऐसी कोई विशेष योजनाएं हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? इस टाइम पे तो मेरे मतलब मैंने लाइफ के बारे में इतना नहीं सोचा है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही है कि मुझे मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप बनना है, और उसके लिए मैं अपना मतलब दिन रात एक कर रही हूँ। और मेरा ही नहीं पूरे देश का सपना है, पापा का सपना है, और उस सपने को पूरे करने के लिए मैं इंडिया से यहाँ पे सिंगापुर में ट्रेनिंग ले रही हूँ, अपने फैमिली से दूर हूँ। तो यही है कि उन सब का सपना पूरा करके मैं और अपने देश को मतलब एक अलग मुकाम पे लेके जाऊँ। न
नमस्ते, मेरा नाम अदिति है और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब आप प्रतियोगिता के लिए जाते हो तो आपको ऐसे कोई भाषाई या सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं आई है कि ऐसा कुछ दिक्कत की सामना तो अभी तक तो नहीं करना पड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम कल्याणी है और मैं GIS स्मार्ट कैंपस की कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप हमें अपने जीवन की कोई ऐसी प्रेरणादायक प्रसंग बताएं जो हम सबको उत्प्रेरित कर सके। मैं अपने लाइफ की जो है वो मेरी बहनों के साथ ही है। मैं हमेशा से मैं ये चाहती थी कि मैं भी उनकी तरह बनूं और मेरी बहनें भी मतलब हमेशा मेरे को मेरे पापा की एक बात मुझे हमेशा याद, जो पापा बोलते हैं उसकी हमेशा याद रहती है और वही मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्रेरित। पापा हमेशा यही कहते हैं कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो तीन चीज़ें हमेशा याद रखना, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हैं। तो मैं हमेशा मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती है और ये चीज़ मेरे को बहुत मोटिवेट करती है, पापा की ये चीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए भी। तो मैं भी आप सबसे यही कहूँगी कि लाइफ में आप भी ये तीन चीज़ें अपनाएं और आप जो भी आपका एम है, जो भी आपका उद्देश्य है, तो उसमें ये चीज़ दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, आप भी इसको अपनाएं और आप भी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद ऋतु जी, हम आपके कीमती समय के लिए तहे दिल से आभारी है। यहाँ बैठे सभी विद्यार्थी आपके शब्दों से अत्यंत प्रेरित हुए। हम आशा करते हैं कि आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य रहे। ऋतु जी, मेरा आपसे अब विनम्र निवेदन है कि आप हमारे विद्यालय की अतिथि पुस्तक पर हस्ताक्षर कर हमें कृतार्थ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह मंच पर उपस्थित होकर हमारी अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब हम कार्यक्रम के समापन पर सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं कि आप सभी खड़े होकर राष्ट्रीय गान की धुन के सम्मान में अपने स्वर गुंजाएं। Yeah.
धन्यवाद मैम।